हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ छोले भटूरे की कंप्लीट रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप इस तरीके से छोले भटूरे बनाते हैं तो आपकी जो छोले की सब्जी है एकदम बाहर मिलने वाली सब्जी जैसी ही बनेगी एंड भटूरे 100% फूलेंगे भी एंड इसके साथ ही साथ बहुत ही सॉफ्ट भी बनेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखते हैं रेसिपी को। सबसे पहले भटूरे का डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये बन बोल आटा या फिर मैदा, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून ये सूजी है। सूजी को ऐड करने से जो भटूरा है क्रंची और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। 3 टीस्पून ये कर्ड ऐड करूँगी। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ये नमक या फिर सॉल्ट। 1 टीस्पून ये शुगर या फिर चीनी, इसको भी ऐड करना है। 1/2 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है। 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को ऐड करने से जो भटूरा है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। एक बार आप इसको बना के देखिए, इस तरीके से बहुत ही फूले फूले और बहुत सॉफ्ट भटूरे बनते हैं। जितना पानी की ज़रूरत हो उतना थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करेंगे इस तरीके से, और मैश करते हुए सॉफ्ट डो लगाना है। डो टाइट नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ग्रीस करके अच्छे से मैश करते हुए डो को चिकना कर लेंगे। डो लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, आप जितना अच्छे से मैश करते हुए डो को लगाएंगे भटूरा उतना ही अच्छा बनेगा। तो अच्छे से मैश करते हुए डो को लगाएं तरीके से। देखिए डो लग के रेडी है। अभी इसको मैं 2 से 3 घंटे तक किसी गर्म जगह पे रख दूँगी, जिससे डो अच्छे से सेट भी हो जाएगा और फूल भी जाएगा। छोले की सब्जी के लिए मैंने ये छोले लिए हैं। छोले को रात में भिगो दिया था। आप चाहें तो 5 से 6 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, बट मैंने इनको रात में भिगो के रखा था तो ये अच्छे से फूल चुके हैं। अभी इनको वॉश कर लेंगे। छोले को मैंने वॉश कर लिया है बॉयल होने के लिए, अभी कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से छोले को कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी, थोड़ा सा ये नमक, और कुकर को बंद करके छोले को बॉयल होने के लिए गैस पे रख देना है। इसको मैं 6 से 7 सीटी आने तक बॉयल करूँगी। उसके बाद में इसकी जो गैस है वो खुद से निकल जाने दूँगी। जब तक छोले बॉयल हो रहे हैं, छोले की सब्ज़ी के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने ये लहसुन है इसको छील लिया है, अदरक इसको काट लिया है, और ये हरी मिर्च है इसको लिया है मैंने, ये प्याज इसको रफली चॉप कर लिया है, ये टमाटर है टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमाटर का अलग पेस्ट बना लेंगे, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बचे हुए इनका अलग पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट है, ये टमाटर का पेस्ट है, ये बॉइल्ड छोले हैं। सब्जी के लिए मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाला है, ये जीरा, तेज पत्ता, सूखी मिर्च लाल, ये सिनेमन स्टिक, लौंग, इलायची। सॉटे कर लेंगे जिससे कि ये जो सूखे मसालों का फ्लेवर है वो सब्ज़ी में पहुंच जाएगा, तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में भी। ये पेस्ट है प्याज लहसुन और अदरक का, अच्छे से भूनना है इसको। इस तरीके से चलाते रहेंगे। आप जितना अच्छे से मसाले को भूनेंगे उतनी अच्छी सब्जी बनेगी। सूखे मसालों में ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये गरम मसाला है। मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से चलाते रहेंगे। थोड़ा सा ये छोले मसाला है,
इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और मसाले को अब हमें तब तक भूनना है जब तक इसका जो ऑयल है वो अलग ना होने लगे। इस तरीके से भूनते रहेंगे। देखिए मसाला भुन चुका है। यहाँ पे मैं ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड किया है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ में। इस तरीके से बहुत अच्छे से भूनना है मसालों को। ये सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिए। बॉइल्ड छोले इसको ऐड कर देंगे, इनको भी मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने ये पानी ऐड किया है, आप जिस टाइप की कंसिस्टेंसी रखना चाहें उसी हिसाब से पानी ऐड कीजिए। देखिए अब इनको अच्छे से पकाना है। ये देखिए आप जितना अच्छे से छोले को पकाएंगे सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, मुझे इसी कंसिस्टेंसी में रखने हैं छोले। यहाँ पे थोड़ा सा छोले मसाला ऐड करना है एंड ये जो कटे हुए धनिया है उसको ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए छोले की सब्ज़ी बनके तैयार है एकदम। भटूरे का के लिए जो डो बना के रखा था उसको देखते हैं। ये देखिए अच्छे से फूल चुका है, इसको थोड़ा सा मैच कर लेंगे तरीके से, और इस तरीके से इसको बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे। जिस साइज़ का भटूरा रखना चाहें उसी साइज़ की बॉल्स बनाइए। इस तरीके से इनको रोल कर लेंगे इस तरीके से सारी बॉल्स को। भी बेलना है भटूरे को इस तरीके से हल्के हाथ से। भटूरे को बहुत ज़्यादा ना मोटा रखना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है, थोड़ा सा बेल के और इसके बाद में ऐसे इस तरीके से हाथ से इसको बड़ा करेंगे, जिससे जो बाहर मार्केट में जो मिलते हैं ना भटूरे उसी तरीके से एकदम टेस्ट आएगा। ये देखिए भटूरा बनके एकदम तैयार है। अभी भटूरे को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने ये तेल गर्म कर लिया है, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो ये जल जाएगा। और इस तरीके से भटूरे को डाल के थोड़ा सा प्रेस करना है, इसके बाद में जो गरम तेल है वो थोड़ा थोड़ा भटूरे के ऊपर डालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप भटूरे को सेकेंगे तो भटूरा ज़रूर फूलेगा। ये देखिए एकदम अच्छे से भटूरा फूल चुका है, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे कि अच्छे से सिक जाएगा नीचे की तरफ से भी। और भटूरे को अभी निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। ये देखिए भटूरा सिक चुका है एंड लीजिए आपके फूले फूले गर्मा गर्म भटूरे बनके तैयार हैं। आप किसी को भी बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे भटूरे बने हैं एकदम फूले फूले और सॉफ्ट। और जो छोले की सब्ज़ी है वो भी एकदम बाहर मिलने वाले छोले की सब्ज़ी जैसी ही बनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।